हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, कलर्स टीवी लाने वाला है एक नया अपकमिंग शो जिसका नाम है नीमा डेंजोंगपा। तो गाइज, ये शो का सारी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्टोरी कॉन्सेप्ट किस तरह की होगी, सारा कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट स्किप करें, स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइज, सबसे पहले बात करें फीमेल लीड की। तो गाइज, सुरभि दास प्ले करने वाली है इस शो में मेन फीमेल लीड, और उनके कैरेक्टर का नाम होने वाला है नीमा डेंजोंगपा, जो कि शो का भी नाम है। तो गाइज, अब कहानी की अगर हम बात करें तो गाइज, जो नीमा का जो करैक्टर होगा वो सिक्किम से होगा। तो जो करैक्टर नीमा का है वो सिक्किम से होंगी और बाद में वो मुंबई में शिफ्ट होंगी। तो उनके मुंबई जाने के रीजंस दो हैं। एक तो वो अपने प्यार के लिए मुंबई जाती हैं, जिसका नाम है सुरेश। तो सुरेश वहाँ पर फिल्म सिटी में यानी कि किसी फिल्म स्टार के स्पॉट बॉय का काम करता है, वो सुरेश है। तो उसके लिए एक तो वो वहाँ जाती है, और दूसरा रीज़न ये है कि वो अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई जाती हैं। तो ये दो मेन रीजंस हैं, वो अपने सिक्किम वाले अपने लव्ड वंस को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर वहाँ मुंबई नए शहर में जाती हैं, ये दो रीजंस के कारण, अपने प्यार सुरेश के लिए और अपने ड्रीम्स वगैरह पूरे करने के लिए। बस जब वो मुंबई जाएगी तो उसके साथ काफ़ी लोग जो हैं कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे, कुछ लोग अलग अलग नाम कहकर चिढ़ाएंगे, जैसा कि आपने प्रोमो में भी देखा होगा। तो शो यही चीज़ हाईलाइट करने वाला है। शो में दिखाए जाएंगे कि कैसे एक नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल जो है वो मुंबई जाती है, और वो कौन से स्ट्रगल उसको फेस करने पड़ते हैं। वो सोचती है कि मुंबई में जाके काफ़ी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी प्रिजुडाइजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि रेसिज्म वाले स्टेटमेंट्स दूसरे लोगों से। जैसे मुंबई के लोग उसको कुछ कुछ कहकर चिढ़ाएंगे अलग अलग नामों से, तो वैसे ही जब किसी नॉर्थ का कोई भी बंदा जैसे दूसरे शहरों में जाता है, या फिर कोई भी दूसरी स्टेट से लोग कहीं दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, उनको अलग अलग तरह का रेसिज्म सहना पड़ता है। भले ही वो मजाक में हो, जैसे कि कई बार दोस्त चिढ़ाते हैं तो भले ही वो उस तरह का हो, लेकिन रेसिज्म तो रेसिज्म ही होता है। तो एनीवेज, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स उसको फेस करने पड़ेंगे नए शहर में आके, नए मुंबई में आकर। तो यही सब स्ट्रगल्स को काफ़ी ब्यूटीफुली शो में दिखाया जाएगा, और ये सब हाईलाइट करा जाएगा, और इस शो से ये सीख दी जाएगी, ये मैसेज दिया जाएगा कि ये सब ना करा जाए, और लोगों को यही सिखाया जाएगा इस शो से, ये सब प्रिजुडाइजेस नहीं करना चाहिए, और जो उनको सहना पड़ता है उनकी कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई जाएगी। ये जब प्रोमो वगैरह को देखकर कुछ जो लोग हैं वो काफ़ी बैकलैश भी कलर्स टीवी को दिया उन्होंने, कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट साइड के कि ये सब आप क्या दिखा रहे हैं। एनीवेज, कलर्स टीवी ये कोई गलत तरीके से ये सब नहीं दिखा रहा। कलर्स टीवी शो को दिखाने का रीज़न यही है कि ये शो एक अच्छी सीख देगा कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये रेसिज्म वगैरह जो सहना पड़ता है रेसिज्म वाले स्टेटमेंट्स वगैरह। तो शो उसी की कहानी दिखाने वाला है, और कलर्स टीवी इसको किसी भी बुरी तरीके से इसको शो नहीं करने वाले, शोकेस करने वाले। एनीवेज, लोगों को तो बुरा लग जाता है, उनके सेंटीमेंट्स वगैरह हर्ट हो जाते हैं, लेकिन कलर्स टीवी की तरफ से ये शो एक काफ़ी यूनिक शो है, और वो अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं इस शो को बहुत ही ब्यूटीफुली शोकेस करने के लिए। और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं इस शो के प्रोमो को देखकर, और कुछ लोग जो है निराश भी हैं। एनीवेज, जब शो लॉन्च होगा वो सब ठीक हो जाएगा। तो गैस, ये है कहानी नीमा डेंजोंगपा के बारे में। अगर हम बात करें ये शो कब आने वाला है, तो गैस मिड अगस्त में ये शो लॉन्च होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि नमस्क का जो शो है कलर्स टीवी का उसको रिप्लेस करे। तो ये चांस है, लेकिन फिलहाल ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये उसको रिप्लेस करेगा या फिर नहीं, वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा जो भी इस पर लेटेस्ट अपडेट्स होंगे। बाकी चैनल ये चाहता है और शो के मेकर्स का यही जो है एम है कि इंडिया से जो भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी रेसिज्म वगैरह है ऐसी, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ना हो, यही वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उसी पे ये बेस्ड शो होने वाला है। तो इस तरीके का ये शो होने वाला है, और नीमा की जो कहानी होने वाली है काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाली है। और वो सुरभि दास जो प्ले करती हैं करेक्टर को, वो कहती हैं उन्होंने ये खुद भी सब कुछ सहा हुआ है, तो ये करेक्टर प्ले करना उनके हार्ट के काफ़ी ज़्यादा करीब है, और वो कोशिश करेंगी इसको बहुत ही अच्छी तरह से निभाएं। तो गाइज़, वीडियो कर दीजिए लाइक अगर आपको समझ आ गया हो सब कुछ, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा, और गाइज़ ये शो का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, क्या आप एक्साइटेड हैं फिर नहीं, शेयर कर दीजिए कलर्स टीवी के फैंस के साथ। और गाइज़, इस शो पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, नए न्यूज़ वगैरह होंगी, वो मैं आपको आप तक पहुँचाता रहूँगा, तो उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, उसके साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। नीमा डेंजोंगपा पे सारी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुँच जाएगी, और बाकी कलर्स टीवी शोज़ की भी मेजर न्यूज़ आप तक पहुँचती रहेगी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।